हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के बारे में, जिसके अंदर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का डेटा, जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे उनका कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप का ए बी ओ ओ ए बी सो ऑन इस तरीके से दिया हुआ है। हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्मेट में हमें लिखना है और फिर हमें बताना है कि विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन क्या है ब्लड ग्रुप, और रेयरेस्ट कौन सा है ब्लड ग्रुप इन सभी स्टूडेंट्स के अंदर। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इस डेटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि ए 9 टाइम्स है, बी ब्लड ग्रुप वाले 6 हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप वाले 3 हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले 12 हैं। तो आप कह सकते हो ओवरऑल कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो 9 है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन तो ओ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार है। सबसे कम हमारा ए बी है, क्योंकि सबसे कम है, रेयरेस्ट है। तो इसके आंसर्स को भी आप इजीली बता सकते हो कि इसको अगर टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तरफ लिखेंगे हम ब्लड ग्रुप और दूसरी तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ए वाले 9 हैं, बी वाले 6 हैं, ए बी वाले 3 हैं, ओ वाले 12 हैं। तो इस टेबल के बेसिस पे जो भी आपको आंसर देना है वो आंसर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो आपका ओ है, और ए बी जो है वो रेयरेस्ट है। तो इन सारी चीजों को आप लिख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं, 40 इंजीनियर्स हैं जिनका डिस्टेंस दिया हुआ है कि ये जो जब काम करने जा रहे हैं तो किसी का 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 20 किलोमीटर। इस तरीके से प्लेस ऑफ वर्क जहां पे काम कर रहे हैं उनका पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के बेसिस पे क्या करना है, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप करना है डेटा को और बताना है। और क्लास साइज आपको 5 रखनी है, यानी कि सबसे पहले 0 से 5 तक आप रखेंगे, जिसमें कि 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। और फिर हमें बताना है, फिर 5 से 10 रखेंगे, 10 से 15 रखेंगे किलोमीटर में, और व्हाट इज द मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। जब आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में करने वाले तो मेन फीचर्स क्या हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। देखिए, अगर हम इस चीज को देखें ध्यान से, तो हमने देखा कि जब इस क्वेश्चन में जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ग्रुप, जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्लास साइज जो हम रखने वाले हैं वो 5 है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, सो ऑन इस तरीके से चलने वाली ये चीजें। जो हमें रिक्वायर्ड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कुछ इस तरीके की बनने वाली है, और टेबल जो हमारा रिप्रेजेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आप देख पाओगे कि एक तरफ हमने लिखा है डिस्टेंस, दूसरी तरफ टैली मार्क्स, और तीसरी तरफ हमने लिखा है नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो आप 0 से 5 में देखोगे ऐसे 5 इंजीनियर्स हैं, 5 से 10 के बीच में 11 है, 10 से 15 के बीच में 11 है, और 15 से लेकर के 20 के बीच में 9 है, 20 से लेकर के 25 के बीच में 1 है, 25 से लेकर के 30 के बीच में 1 है, और 30 से लेकर 35 के बीच में 2 है। इन सबको प्लस करेंगे 40 आएगा। और टेलीमार्क्स किस तरीके से होता है, 1 2 3 4 और 5 को ऐसे भी कर सकते हो और क्रॉस भी कर सकते हो आप इस तरीके से, 11 5 और 5 10 10 और ये 1 11 5 5 10 और 1 11 और ये 9 हो गया। इस तरीके से आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नाउ देर आर ओनली 4 इंजीनियर्स हु होम्स आर मोर देन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्क प्लेस। ऐसे 4 ही इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका घर जो है वर्क प्लेस से 20 किलोमीटर से ज्यादा है, ऐसे 4 ही हैं। और मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स हैविंग देयर वर्क प्लेस 15 किलोमीटर डिस्टेंस, ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ जो इंजीनियर्स है वो 15 किलोमीटर हैं। और इस तरीके से इन चीजों को आप इजिली समझ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। ह्यूमिडिटी मतलब जो नम्रता, जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सर्टन सिटी में दिया हुआ है 30 डेज का डेटा कि किसी का यहाँ इतना है, किसी के यहाँ 98.6 है, किसी के यहाँ 99.2 है। इस तरीके से टोटल 30 डेज का डेटा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ग्रुप करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, जिसमें क्लास साइज लिखा हुआ है,
84 से 86, 86 से 88 इस तरीके से चलना है। और हमें बताना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर विच मंथ या फिर विच सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, और ये डेटा किस चीज किस मंथ और किस सीजन से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन, डेटा का रेंज क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। एंड तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप करने की कोशिश करें तो क्लास साइज दो है, तो 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90 इस तरीके से कम्प्लीटली हमारा ये चलने वाला है। तो हम टेबल में क्या देख पा रहे हैं, 84 से 86 में 1 ही है, 86 से 88 1, 88 से 90 2, 90 से 92 2, 92 से 94 7, 94 से 96 6, 96 से 98 7, 98 से 100 4। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो 30 इसका आंसर होगा, जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए टोटल, और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेबल के फॉर्मेट में कैसे हम इसको रख पाएंगे, और इसके बेसिस पे जो चीजें पूछी जा रही हैं उसमें हम देखेंगे कि सबसे हाई कब है। और ये मोस्टली आप देखोगे कि जो है ये डेटा रेनी सीजन से रिलेटेड है। अगर हमें रेंज फाइंड आउट करनी है किसी भी डेटा का, तो मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 99.2 है, मिनिमम हमारे पास 84.9 है। अगर हम 99.2 में से 84.9 को माइनस कर देते हैं तो 14.3 होगा, राइट। और इस तरीके से हम इन चीजों को इजिली समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स का, जिसको मेजर किया गया है सेंटीमीटर्स में, और जिसको फाउंड किया गया है कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे कि ये डेटा दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स का, और ये इस डेटा के बेसिस पे हमें सबसे पहले तो एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसमें कि क्लास इंटरवल लेना है 160 से लेकर के 165 तक, 165 से 170, यानी 5-5 का गैप लेकर के हमें क्लास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बतानी है, राइट। अब इसी में देखिए बड़े ध्यान से, मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम द टेबल। आप हाइट टेबल की हाइट को कैसे कंक्लूड करोगे, तो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले वी मस्ट कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल टेकिंग इंटरवल्स। अगर देखें तो 60 से 65, 165 से लेकर के 70 हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें ये क्या मिला है। हमें यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीटली जो चीजें हमें मिल रही हैं, हमने हाइट लिख दी सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख दिए, टोटल 50 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 150 से लेकर के 155 के बीच में सेंटीमीटर में, तो ये पूरा डेटा हमारे पास है, ये टेबल में तो डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लियरली टेबल में हम देख पा रहे हैं कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 165 से कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में कितना पार्ट प्रेजेंट है पर पीपीएम, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन इन अ सर्टन सिटी, डेटा 30 डेज का कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। तो हमें बताना है सबसे पहले फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08, सो ऑन, इस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज वॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछी गई है, क्लास इंटरवल का कंप्लीट डेटा दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या चीजों को समझ पाएंगे, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो हम टेबल डिजाइन करने वाले हैं, तो टेबल हमारा जो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, पीपीएम कितना होगा, 0.00 से लेकर के 0.04, नंबर ऑफ डेज इसमें 4 होंगे, 0.04 फिर दिया हुआ है, फिर 0.08 दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 9 होंगे, 0.08, 0.012, ये 9 होंगे। इस तरीके से पूरी फ्रिक्वेंसी टेबल को हमने डिजाइन कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्लास इंटरवल का जो टाइम होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कंसेंट्रेशन SO2 इज मोर देन 0.11 नंबर ऑफ डेज विच इज द कंसेंट्रेशन बिटवीन 0.02, ये इनके बीच में सबसे ज्यादा है SO2 का। तो ये हम कंप्लीटली हम इसके आंसर्स को देख पा रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 2 + 4 + 2 8 हो जाएंगे नंबर ऑफ डेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, राइट। ईच टाइम ऑफ नंबर हेड अकर वॉज डाउन,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड एक बार 0 आया, एक बार 1, एक बार 2, ये 2 बार कितनी बार आया, पूरा डेटा दिया हुआ है। हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया, 0, 1, 2, 3, राइट, और यहाँ पे कितनी बार आया है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल 30, हमने कंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये पाई की वैल्यू 50 डेसिमल तक दी हुई है यहाँ पे, और 50 डेसिमल तक जो वैल्यू दी हुई है ना, इसमें हमें फ्रेक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स में बताना है, और मोस्ट और लीस्ट दो चीज़ें बतानी है कि कौन सी ज़्यादा बार डिजिट्स आई है, कौन सी कम बार आई है जो पॉइंट्स के बाद है। हमने ऑब्जर्व किया तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 0 2 बार, 1 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, 4 4 टाइम्स आया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमने पूरा डिजिट और फ्रिक्वेंसी का बना लिया है। अब इसी में पूछा गया था हमसे कि सबसे लिस्ट और सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो हम देखेंगे कि जो लिस्ट फ्रिक्वेंसी टेबल जो आई है वो 0 है, और मैक्सिमम जो आया वो 8 है, और डिजिट 3 एंड 9, और देयरफॉर मोस्ट फ्रिक्वेंसी अगर डिजिट 3 और 9 है, और लिस्ट में 0 है, 3 और 9 सबसे ज़्यादा बार आ चुके हैं, 3 और 9, राइट। और यहाँ पे है एक टेबल, राइट, अभी मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगा जो इसके बाद की डिजिट्स की होगी। ये तो टेबल आपने देखी, 4 के बाद 5 6 7 8 9 का भी हमने डेटा अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये है आपका 5 6 7, और सबसे ज़्यादा बार 9 आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और इस तरीके से हमने इनके आंसर्स को कम्प्लीटली यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि 30 चिल्ड्रंस वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स प्रीवियस वीक, द रिजल्ट्स वर फाउंड। ये 30 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है कि टीवी प्रोग्राम्स कितना देख रहे हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा दिया हुआ है, राइट। और इस डेटा को हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के माध्यम से बताना है, और जिसमें क्लास विथ 5 रखनी है, यानी 5 से 10 इस तरीके से रखना है। हाउ मेनी चिल्ड्रेंस वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स, 15 घंटे से ज़्यादा कितने चिल्ड्रेंस देख रहे हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जब पॉसिबल क्लास इंटरवल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, राइट। तो आप देखोगे 0 से 5 आवर्स में 10, 5 से 10 में 13, 10 से 15 में 5, 15 से 20 में 2, इस तरीके से टोटल 30 हमारा आ चुका है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का डेटा। अब इस डेटा में सबसे ज़्यादा बार अगर आप देखें तो 5 15 घंटे से ज़्यादा जो बच्चे देख रहे हैं वो कितने हैं, 15 और मोर आवर्स देर आर 2, राइट। नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस क्लास इंटरवल 15 से लेकर के 20 के बीच में, 15 घंटे से ज़्यादा में, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और यहाँ पे एक कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स कर रही है, और इसका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया गया है कंपनी का, कार बैटरीज पर्टिकुलर टाइप की किस तरीके से, पूरा यहाँ पे दिया हुआ डेटा। इस डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यूज़ करना है, डेटा यूजिंग क्लास इंटरवल 0 से 0.5 से स्टार्ट करना है, 2 से 2.5 तक, इस तरीके से कम्प्लीटली आपको बताना है डेटा, राइट। और इस डेटा के बेसिस पे आपको डिज़ाइन करना है और बताना है कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डेटा को कंस्ट्रक्ट करें तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल की जो होगी 0.5 से स्टार्ट होगी, और क्लास इंटरवल 2 से 2.5 तक, इस तरीके से जो रिक्वायर्ड होगा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो बैटरी लाइफ दी हुई है आवर्स में 2 से लेके 2.5 से ये, और नंबर ऑफ बैटरीज यहाँ पे दिया हुआ, टोटल 40 बैटरीज यहाँ पे आ चुका है। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको लग रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग सेशन, अपकमिंग लेक्चर्स कब होने वाले हैं, लाइव सेशन, डाउट सेशन, कंप्लीटली आप इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।